मैं आपको गुण संधि पढ़ा रहा था। एक तो इसमें पढ़ाया था मैंने अधेंगुण है, और दूसरा था आद गुण है। अधेंगुण होता है अ ए ओ, तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है, इनकी अ ए और तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है, ये तीन वर्ण ये गुण संज्ञा कहलाते हैं। और दूसरा सूत्र था आद गुण है, इसका मतलब था अवर्णाद अच्छी परे पूर्व पर गुणादेश साथ, अर्थात अवर्ण से यदि अच परे हो, समझ लो अच परे हो, अच का मतलब होता है अयु रिलरी ए ओ ऐ औ, इन नौ वर्ण। अवर्ण से यदि अच परे हो तो पूर्व प्लस पर के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता है, ये पूर्व और ये पर इन दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता है, तीनों में से ये एक आदेश हो जाता है। समझ में आ गई बात। अब एक सूत्र और था तपरस तत्कालस्य, ये सूत्र भी देख लीजिए आप, तपरस तत्कालस्य, कालस्य हाँ, एक एक और 69 नंबर है इसका, एक एक 69। इसका मतलब होता है त परो यस्मात् सचेतात्, त परो यस्मात् सचेतात्, तो इसका मतलब होता है कि तस त जिससे परे है तथा त से जो परे है वे अपने सदृश काल वालों की संज्ञा होते हैं, है ना। त जिससे परे त से जो परे वो अपने सदृश काल वालों की संज्ञा होते हैं। इसका इशारा यहाँ अधेंग गुणा की तरफ है, अधेंग गुणा। इसमें क्या कहा था, अद अथ एंग च, अब देखो त जिससे परे त से जो परे है, जैसे त जिससे परे, ये त है ना, त किससे परे, अ से परे, और त से जो परे है, ये त का मतलब त वर्ग में स्थिति है, दकार, इससे जो परे है मतलब ए अंक का ए परे। तो ये दोनों, ये तो अ और ए, ये दोनों अपने सदृश काल वालों की संज्ञा होते हैं, मतलब जो गुण संधि होती है ना उसमें वैसे तो शर्त यह है कि अ से अच परे होना चाहिए, लेकिन अ के स्थान पर यदि आ भी आ जाए ना, है आ, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई गुण संधि नहीं होगी, फिर भी होगी। क्यों? क्योंकि ये तपरस तत्काल से सूत्र यही कह रहा है कि त से जो परे है और त से जो परे है और त जिससे परे है वे अपने सदृश काल वालों की संज्ञा होते हैं, मतलब जो आ है वो कई भाग माना जाएगा, है ना। आ होगा ना तो भी गुण संधि होगी, ऐसे नहीं कि अ, क्योंकि अ ना जो अ अपने सदृश काल वाले आ आ को भी मतलब बताएगा, इसकी भी संज्ञा होगा, अर आदि सब बराबर ही हैं इस सूत्र के द्वारा, है ना। तो ये इसका मतलब था। या त से जो परे है, अभी एंग एंग मतलब हाँ है, और त से जो परे है तो ये त है ना, त है इससे जो मतलब एंग, ये एंग भी अपने सदृश काल वालों की संज्ञा होते हैं, मतलब ए ओ ये भी अपने सदृश काल वालों की संज्ञा होते हैं, मतलब गुण संधि होती है। समझ आगे बात, तो ये है इसके सूत्र। ये सूत्र है इसके, तो अब इसके उदाहरण लेते हैं गुण संधि के। इसके उदाहरण है एक तो उपेंद्र, उपेंद्र, तो इसका पहले संधि विच्छेद करेंगे, उपधन इंद्र उपेंद्र। तो यहाँ पे ऐसे अच परे है, उप के प में छिपा हुआ जो अकार है इसको खोल के देख लो आप, ये उप धन इंद्र है, ऐसे अच परे है नहीं यहाँ पे, है ना, ऐसे अच का ई ई पर है, इसलिए इन दोनों के स्थान पर एक गुणादेश हो जाएगा, है ना, आद गुणा सूत्र की सहायता से गुणादेश हो जाएगा। और गुणादेश गुणादेश गुण संज्ञा भी तीन होते हैं,
एक तो ए और एक ओ, इनमें से कौन सा होगा, इनमें से वही होगा जिनका उच्चारण स्थान अ और ई दोनों से मिलता हुआ होगा। इनमें आगे बात इसके आगे हम बाद में पढ़ाएंगे।